जब से लॉकडाउन हुआ तब से शूटिंग रुकी हुई थी। अब अनलॉक फेज वन और फेज टू में शूटिंग की इजाजत मिली है, लेकिन कई लोगों को शूटिंग शुरू करने के बाद में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि COVID-19 टेस्ट पॉजिटिव आने की वजह से शूटिंग को रोकना पड़ रहा है। वेल, कौन से वो सीरियल्स हैं बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। जब से अनलॉक फेज वन शुरू हुआ है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के साथ में शूटिंग शुरू करने की इजाजत दी है, तब से ही फैंस जो है, लोग जो है, वो इंतजार कर रहे हैं कि उनका एंटरटेनमेंट का जो साइकिल है वो फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में ऑलमोस्ट हर सीरियल की जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है, फिर चाहे स्टार प्लस के सीरियल हो, सोनी टीवी के हो, एन टीवी के हो, कलर्स के हो, इन सभी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो चुकी है। कई ऐसे भी सीरियल्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है COVID-19 की वजह से। अब ऐसे में जब शूटिंग शुरू की है तो दो ऐसे बड़े सीरियल्स हैं जिनकी शूटिंग को रोकना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के स्टाफ को COVID-19 पॉजिटिव आया है। पहला सीरियल है सोनी टीवी पर आने वाला सीरियल साई बाबा। साई बाबा के एक स्टाफ मेंबर को COVID-19 पॉजिटिव आया, जिसके बाद तुरंत ही शूटिंग को रोक दिया गया है। वेल, ये शूटिंग बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी, लेकिन हाल ही में इस शूटिंग को रोक दिया गया है और जितने भी स्टाफ मेंबर उस समय शूट पर मौजूद थे उन सभी को होम क्वारंटाइन होने के लिए कह दिया गया है। जो पॉजिटिव पाया गया है वो अभी फिलहाल रेस्ट पर है और वो रिकवर भी कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का जो सीरियल आ रहा है उसके साथ में भी हुआ है, उसमें भी एक स्टाफ मेंबर पाया गया है COVID-19 पॉजिटिव, जिसके बाद सीरियल की शूटिंग को रोक दिया गया है और इसकी शूटिंग 31 जुलाई के बाद ही शुरू की जाएगी। सभी स्टाफ मेंबर्स को कह दिया गया है कि वो होम क्वारंटाइन हो जाए। बात करूं अगर साई बाबा की लीड एक्टर तुषार डालवी की, तो उन्होंने कहा कि हमें शायद इस चीज से डरना नहीं चाहिए, हमें उम्मीद तो थी कि ऐसा कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन हमारे केस में ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया है। क्या कहना चाहेंगे इस खबर के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।